तो यही था। ये बेस्ट है क्योंकि आपको जहाँ पे दोनों मिल रहा है एग्रेसिव पोजीशन, आप एग्रेसिव पोजीशन भी होगा, एरोडायनामिक पोजीशन भी आप ले सकते हैं। सब लोग बोलते हैं ना व्लॉगर होना इट्स नॉट अ इजी टास्क, नॉन व्लॉगर होना भी आसान दिखा दिए, इट्स नॉट अ इजी टास्क। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा सोनिक का पीछे का टायर पंचर हो चुका है, मैंने कल रात ही चेक किया था, इसका टायर पे पंप थोड़ा कम था तो मैंने आज चेक किया था, पंप एकदम ही कम हो गया है पीछे का टायर में। और आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पूछा था कि मैंने अपना R15 का जो हैंडलराइजर लगा है उसका रिव्यू देने को लिए कि उसका राइड रिव्यू कैसा है, कम्फर्ट है कि नहीं है, हैंडल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए गाइस आज की ब्लॉग में मैं इस सब बातों को भी कवर कर लूँगा। तो चलिए गाइस आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी लेना होगा लेफ्ट टर्न। विश्वजीत ने कहा कि यहाँ आके पर कॉल करने को, तो मैं अभी साइड में रुक के इसको पर कॉल कर लेता हूँ। ये रहा हम लोग का विश्वजीत, कहीं के जाओ कहाँ। हाँ हाँ, तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पर गिरजा मोड़ पे और मेरा गाड़ी का पीछे का टायर खोल चुका है, आप लोग एक बार देख लो। और मेरा शक सही निकला कि इसमें एक पंचर है और अभी पंचर ठीक हो रहा है अंदर। काटी तुम्हार आर्मी सोनी के पाते के बड़ो दो, सोनी के पीछे टायर से बड़ा। हाँ तो यही था। यही चीज का वजह से ब्रजेश दा दो दिन परेशान था मैं इस चीज के वजह से। देवू भाई का यू वांट टू से एनीथिंग? नो कमेंट। योर ओरिजिनल चैनल नेम? ओरिजिनल चैनल नेम द सिटेस बाइकर। द सिटेस बाइकर, व्हाई सिटेस बाइकर? बिकॉज़ हम लोग का ब्रजेश दा KTM। KTM का नाम तो अलग है, तो KTM ऑरेंज है, उसीलिए हम पंचर तो ठीक हो गया, अभी चलते हैं जिस काम के लिए ये ब्लॉक स्पेशली मैं बना रहा हूँ वो काम करने। और आर्यन का भीती का हैंडल तो स्टॉक है और मेरे में राइजर लगा हुआ है, पहले यहाँ से निकल लेते हैं देख के। टर्न 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 बस। सो गाइस अभी हम लोग आसनसोल के थोड़ा बाहर है, काली पहाड़ी के आसपास एक फ्लाई ओवर है जो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आर्यन हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं काली पहाड़ी का इंटरनेशनल सर्किट पे, ये बहुत जाना माना सर्किट है स्पेशली छपरी लोग के लिए क्योंकि यहाँ पे ड्रैग रेस बहुत होता है, तो आपको यहाँ पे KTM RS 200 ये सब मिल जाएगा।
R15 को नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग R15 ओनर से R15 ओनर का चला छापी। हां R15 ओनर है। देखो बाइक छापी नहीं होता, उसको चलाने वाला छापी होता है। वही वही बात है। तो मैं आप अर्जुन को बोलूंगा कि मेरा R15 चलाने को, क्योंकि मेरा R15 पे हैंडल राइजर लगा हुआ है और उसका हैंडल स्टॉक है। तो अर्जुन जा, मेरा गाड़ी चला क्या, और आपका गाड़ी चलाएंगे नहीं मुलाएंगे आपका गाड़ी। पहले धीरे धीरे चलाना। तो आर्यन गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चलाने के आने के बाद मुझे बताएगा कि उसको क्या क्या चेंजेस लगा। तू बता चीज गलीबो बाइक का मैं देख के बोल दी थी, कौन लाग दे देखी कौन बोल दी चीज 200 उठा ची। ये देखिए इसका हैंडल स्टॉक है, कोई भी रसल लगा हुआ नहीं है। हम लोग इसको लेबू बाइकर बोलते हैं। इसका ओरिजिनल नाम विश्वजीत है, विश्वजीत रॉय ना, इसका ओरिजिनल नाम विश्वजीत रॉय है। तो आर्यन अभी आ रहा है वहाँ से। चेंजेस क्या लगा राइजर लगने के बाद? पहला बात, सबसे पहला रिव्यू हम यही देंगे, बहुत कंफर्टेबल है। और मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए अभी R15 ले जाना लायक होगी आपका, लायक होगा R15 लेकर लॉन्ग राइड हो जाएगा आप आराम से यहाँ पे हो जाएगा। और प्लस मतलब कंफर्टेबल है, और मेरा मतलब मेरा हाइट के लिए ये बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट अभी बेस्ट हुई। अच्छा तेरा हाइट कितना है? मेरा हाइट होगा कितना, 5'9" के लिए कंफर्टेबल हो गया। बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल। मेरा जैसा हमको बैठना पड़ता है ऐसे बैठना पड़ता है मेरा वो, हम उसे बैठ के भी दिखा देंगे यहाँ पे। मतलब बैठने से मतलब जो होता नहीं है एग्रेसिव अभी भी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि आपका ई सब लगा हुआ है R15 में, तो वो ऑलरेडी एग्रेसिव लग रहा है। एक्चुअली ये 1 इंच राइजर है, 1 इंच राइजर है, हाँ 2 इंच राइजर भी आता है। 2 इंच राइजर लगाने से क्या होगा, और कंफर्टेबल हो जाएगा। ऊपर से क्या होगा ना, मतलब उसमें थोड़ा एग्रेसिवनेस नहीं है, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, मतलब वो CBR 220 वैसा टाइप का हैंडल हो जाएगा। वो भी लगा सकता है अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड पे, लेकिन हम बोलेंगे ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, क्योंकि आपको जहाँ पे दोनों मिल रहा है एग्रेसिव पोजीशन, आप एग्रेसिव पोजीशन भी होगा, एरोडायनामिक पोजीशन भी आप ले सकते हैं, और इसमें ये भी ले सकते हैं। हम उसमें भी एक बार बैठ के आपको दिखा दे रहे हैं मेरा हाइट का। देखिए जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐसे करके, अभी मेरा मतलब हम ऐसे चला सकते हैं ना ऐसे, मतलब ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, मतलब बैक पेन नहीं कुछ नहीं होगा इसमें। अब उसमें हम आपको बैठ के दिखाते हैं। देखिए वहाँ पे हम कम से कम इधर पकड़े थे, और यहाँ पे हमको इतना पकड़ना पड़ रहा है। हालांकि मेरा 5'9" है, तो ये मतलब और ज़्यादा एग्रेसिव, और ये हम बोलूँगा मैं रिकमेंड करूँगा लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं, क्योंकि लॉन्ग राइड्स हम लोग जब करते हैं ना तो वहाँ पे गाड़ी 200 किलोमीटर के बाद हाथ दुखने लगेगा, क्योंकि मतलब ब्रेक्स मारते हैं ये करते, तो बॉडी कहीं ना कहीं पिलियन, तो भाई पिलियन तो छोड़ना है, मतलब बात उठाना ही नहीं है। पिलियन अगर हुआ तो 100-200 के 100 में हाथ जाएगा, एकदम हाथ जाएगा, ये जगह। लेकिन वहाँ पे अगर पिलियन लेके भी हम लोग जाएंगे ना तो 200 आराम से कर, 200 हो जाएगा वहाँ पे, आराम से हो जाएगा। प्लस वहाँ पे मतलब मुझे एक चीज और अच्छा लगा, वो दोनों आपका कर सकते हैं, एक एग्रेसिवनेस भी है। ऐसा नहीं है कि हैंडल राइजर कोई लगा लेगा तो वो एग्रेसिव नहीं बनेगा, R15 में मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। वहाँ पे आप मतलब एरोडायनामिक पोजीशन भी ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। हम तो सोचे थे भैया से ले लेंगे, भैया को उठा के वो लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे आसनसोल में वो राइजर मिलता नहीं, भैया ऑर्डर किए, तो हम भी सोचे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ वो ऑनलाइन करना, टाइम भी लगेगा आने में, मेरा तो लगभग 1 महीना लग गया। हाँ आपका 1 महीना लग गया था। नहीं अब अच्छा कि अब 2 इंची का नहीं लिया, 1 इंची का लिया, 1 इंची का आपको ऑल इन वन। मेरा 1 इंची का क्या लोकल में भी चला सकूंगा, एग्रेसिव पेस भी होगा, और आप लॉन्ग राइड सबसे मेन चीज, आप लॉन्ग राइड भी कर सकूंगा। और मेरे पास तो लॉन्ग इंच की है, लॉन्ग राइड में करूंगा तो लॉन्ग इंच का लूंगा। सामने वाला ये वाला तो बड़ा ही हुआ है, हां इसको मैंने उठाया है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं इसको मैंने कैसे उठाया है। तो ये जो वॉशर्स है, ये दोनों वॉशर्स मैंने यहाँ पर और ये साइड दोनों साइड मैंने वॉशर लगा के मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया है, क्योंकि ये जब मैंने हैंडल को टर्न कर रहा था तो यहाँ पर ये मास्टर सिलेंडर और इस साइड पे ये स्विच क्लस्टर पे थोड़ा सा लग रहा था, तो इसके लिए मैंने इसको उठाना पड़ा। भैया अपना ये लगा लिया है, राइजर लगा दिया, अब हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड पर, भैया को यहीं पर छोड़ देंगे R15 के साथ, हम लोग चल जाएंगे R15 में। तो छोटा सा राइड होगा, कल एक छोटा सा राइड होने वाला है, कल भी एक ब्लॉग आएगा, कल एक छोटा सा राइड होगा, कल धमाकेदार ब्लॉग आएगा कल। वो भूसा तो आएगा, उसके बाद सुपर बाइक का कोई ही नहीं, मतलब आएगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन हम लोग का तो राइड होने वाला है। गाइस आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, आप लोग कभी नहीं देखोगे, देखिए हेलमेट लगाने का देसी जुगाड़ो, अगर बाई चांस आप लोग कहीं बाईपास में फंस गए ऐसे टाइप के रोड पे, ये वाला रोड पे, ये जो
पाइप दिया हुआ है ऐसे जगह पे हेलमेट लगाने के जुगाड़ है, देसी जुगाड़ हम लोगों का। तो आप लोग ही देख लीजिए, इसका भी ट्यूटोरियल जल्दी आ जाएगा, हम लोग कैसे लगाए हैं। छोटा ट्यूटोरियल शॉर्ट वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स में वो हम लोग का ट्यूटोरियल देगा, हम लोग का लेबू बाइकर देगा। आप जो हैंडल रेसर जो लगाए हैं पर आप भाई रिस्पेक्ट आप बोल जो ये हैंडल रेसर अलग से लिए तो इसका बाद आपका सॉकर का जो कोई प्रॉब्लम रोजेदा के चैनल में भी क्यों चल रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉकर का प्रॉब्लम क्यों होगा? ये तो राइजर है, इससे हैंडल से ऊपर उठा है, इससे सॉकर का कोई आता जाता नहीं है। हैंडल का कोई इशू बैंड होने का कोई चांसेस नहीं? एक इशू हो रहा था, मैंने तो बोला कि यहाँ पर लग रहा था जब मैं हैंडल को मैं जब मैं टर्न कर रहा था तो उसके लिए मैंने इसको ऊंचा कर लिया। दोनों वाला आगे से कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल हो गया आगे से। और कुछ नहीं, और कुछ अभी क्यों नहीं चल रहा, बाकी तो बाइक बहुत अच्छा से मेंटेन किया हुआ है। हाँ ये तो है, भैया का बाइक बहुत मेंटेन किया हुआ है। और कुछ मेला में कुछ चाहिए? मेला में घूम हो गए हम, हो गए हम कहाँ, तो मेला में घूम के इधर आ गए। अच्छा, मेला में घुसने नहीं दिया फिर इधर आ गए। हम लोग को घुसने नहीं दिया पहले थे कि बोला चल भागो यहाँ से। तो अभी चलते हैं मेला, मेला जाएंगे भैया के साथ घूमेंगे। भैया के लिए थोड़ा एक लड़की भी ढूंढने के, एक दो लड़की पसंद आ गए। तो अभी चलते हैं घगरपुरी मंदिर, वहाँ पर विश्वजीत बोल रहा था कि मेला है। আরে ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ওখানে দাঁড়িয়ে গেছিলাম দেখছিলাম। গাড়ি কোথায় রাখবি? অনেক ভিড় আছে তো, রাস্তা আছে। अभी हम लोग मंदिर के यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सभी को मास्क पहनने को बोला, इसलिए मास्क पहने रखे हैं हम लोग सभी। और पीछे एक नया शादी भी हुआ है और पीछे थोड़ा दूर पे, तो अभी यहाँ पर थोड़ा इधर उधर घूमेंगे फिर सब लोग हम यहाँ से घर निकल जाएंगे। मेरे फोन कैमरा फोटो हाल लो ले रहे थे, तो ये है DJI क्या विजय अशोक पॉकेट बहुत बढ़िया है, छोटा सा कैमरा है। तो इस विश्वजीत ने यह खरीदा है आज या कल खरीदा इसको, तो विश्वजीत अभी टीका ले रहा है। ये नदी का नाम की है ना? विश्वजीत का ये नदी का नाम की ये पुड़िया नुनिया नुनिया नदी। इतना ज्यादा क्राउड है, ये दोनों ब्लॉगिंग में व्यस्त थे अपना अपना कैमरा हाथ में पकड़ के, और मुझे देखिए क्या पकड़ा दिया है। ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, ये लोग दोनों ब्लॉगर होने का बहुत गलत फायदा उठा रहा है। सब लोग बोलते हैं ना ब्लॉगर होना इट्स नॉट अ इजी टास्क, नॉन ब्लॉगर होना भी आसान दिखा दिए, नॉट अ इजी टास्क। हाथ में कितना भार लेके चल रहा है, इन लोगों को देखिए घूमना। हाँ ये देखिए इन लोगों को कोई पता ही नहीं है कि हेलमेट मेरे पास है, बस वहाँ पे बाइक के पास जाएगा हेलमेट खोजेगा, और ये हेलमेट यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं देखिए। ब्रोदेव हम लोग का ब्रोदा को देखिए सिनेमेटिक शॉट लेकर व्यस्त है, और एक जन उधर, और एक जन सही में लड़की खुद ने चल गया। हम लोग का सिट्रस बाइकर उसका ब्रेकअप हो गया है ना, अभी तनहाई में जी रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है, सुसाइड कर ही ले ये सोच रही है। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason.
सो गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ अबाउट माय हैंड रेजर। तो आरुण साहब का जो हैंड रेजर मैंने लगाया था वो 1 इंच हैंड रेजर है। आप लोग चाहते हो तो 2 इंच हैंड रेजर के ऊपर भी जा सकते हो, वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर भी चाहिए प्लस कम्फर्ट चाहिए, थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स करना भी चाहिए आरुण साहब के साथ, तो आप 1 इंच हैंड रेजर के लिए जा सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। 3 दिन से सुन लेने के बाद, सो बाय बाय एंड टेक केयर।